जिला बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, दर दर भटक रहा है फरियादी, नहीं मिल रहा है समाधान। ये मामला ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत ग्राम सभा बनगवा का है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं वीडियो के माध्यम से। वारिस अली के साथ कैमरामैन अनवर मोहम्मद की खास रिपोर्ट। मैं वारिस अली, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला बस्ती के ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत ग्राम सभा बनगवा। हमारे साथ में एक शख्स यहाँ बैठे हुए है, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनकी क्या दिक्कत है, क्या इनकी समस्या है। ये तहसील और थाना का चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। इनकी परेशानियां, इनकी दिक्कतें क्या है, जे एन आई न्यूज के माध्यम से आपको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम समीर कुमार चौधरी, ग्राम बसुआ तहसील भानपुर जिला बस्ती का हूँ। मेरी समस्या सर, मेरे बगल में 483, मेरा नंबर 481 है, 483 चक्रोट संख्या है। 483 चक्रोट संख्या जो है वो 2008 में मेरे नंबर में 2.5 मीटर अंदर घुसा के पटवा दिया गया सर, जिससे मेरा रकबा 60 हो गया। और फिर 2022 में 2 मीटर चक्रोट को मेरे अंदर और घुसका दिया गया, जिससे मेरा 4.5 मीटर रकबा 60 हो गया। और मेरे नंबर के पीछे जो है लोग बैनामेदार थे, जबकि उनका भी रकबा 60 हो गया। तो इसको लेकर, जी इसको लेकर आपने कहीं एप्लीकेशन दिया कि नहीं? जी सर, मैं बहुत एप्लीकेशन दिया, डीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन आज तक मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल पाई। आपने इतना एप्लीकेशन डाला और यदि इस पे शासन और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे कि आपका समाधान हो जाए, तो इसको लेकर आप कहां तक जाएंगे? जी सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री तक जा सकता हूं और मैं उन्हीं को अपना दुखड़ा सुनाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि उनके द्वारा मुझे पूर्ण न्याय मिल सकता है। देखिए, आप तहसील भानपुर के रहने वाले, आपका तहसील भानपुर लग रहा है, ग्राम सभा बनगवा, आज तो आपके तहसील पे तहसील दिवस मनाया जा रहा है, क्या आप वहाँ गए एप्लीकेशन? जी मैं अभी ये जो मैं एप्लीकेशन हाथ में लिया हूँ, ये तहसील दिवस का है जी, और मैं अभी देकर आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस पे कोई कार्रवाई होगी, जो जिसके कारण मुझे कुछ फायदा मिलेगा। और माननीय कमिश्नर साहब का आज बैठक था जी, तो आप एप्लीकेशन देने में क्या आपने कुछ बातचीत किया अधिकारियों से? जी मैंने पूर्ण बात किया, और मेरे जो हल्का लेखपाल हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने 2-3 को जो बैनामा दिया उनको नंबर कम करके दिया है, कब्जा उनको नहीं दे रहे हैं, जिससे वो लोग परेशान हैं और कब्जा मांगते हैं तो ये कब्जा नहीं देते हैं। जबकि सर 2005 में उन लोगों को हमने बैनामा दिया, आज 2024 चल रहा है, 19 साल वो कहाँ अभी तक बैठे थे, जब उनका रकबा 60 था तो 19 साल क्यों बैठे चुकते हैं? आगे की अपडेट आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं जे एन आई न्यूज, में वारिस अली कैमरामैन अनवर मोहम्मद के साथ।